नमस्कार किसान साथियों, मैं पुरुषोत्तम चौहान आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, यहां पे आप जो यहां पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा ग्रीन सिस्टम जॉन डियर का 6 फीट का रोटावेटर है। तो ये रोटावेटर आप यहां पे देख पा रहे हैं। तो ये रोटावेटर की आज एक थोड़ा सा मैं एक निगेटिव पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो रोटावेटर बहुत ही अच्छा है, हेवी है, हेवी मटेरियल के साथ बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है रोटावेटर। लेकिन एक जो मेरे ख्याल से जो एक मिस्टेक यहाँ पे ग्रीन सिस्टम की तरफ से अगर हो गई है, और चाहता हूँ कि मैं इसे जो है वो आप भी देखें कि कौन सी जो है वो एक दिक्कत जो है थोड़ी सी यहाँ पे मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो अगर ये बातें अगर थोड़ा इम्प्रूव अगर कर दे ग्रीन सिस्टम जॉन डियर तो काफ़ी अच्छा होगा। हालांकि छोटी सी बात है, कोई बड़ा इशू नहीं है। वो ये है कि ये जो आप यहाँ पे रॉड जो देख रहे हैं, ये मुझे ग्रीन सिस्टम के साथ ही मिला हुआ है। ये जो आप रॉड देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो रॉड है मुझे रोटावेटर के साथ ही मिला हुआ है। लेकिन इसमें छोटी सी एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो है कोई भी ग्रीसिंग पॉइंट जो है वो दिया हुआ नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये बीच में जो आपको होल जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पे होल नहीं है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे होल चाहिए था, और इसमें जो थ्रेड लगा के जो एक जो ग्रीसिंग का जो पॉइंट होता है, बोल्ट होता है ग्रीसिंग का, तो वो यहाँ पे होना चाहिए था, जिससे कि ये जो है फ्रीली इसमें आप बड़ी आसानी से आप इसमें ग्रीस कर सकते थे। और यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि इसमें ऑयल डालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ग्रीस अगर रहा तो ग्रीस यहाँ पे एक पॉइंट में अगर डाल दिया तो चारों ही जॉइंट में जो है बेरिंग में जो है वो ग्रीस पहुँच जाता है, और वो काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे अगर किसान भाई अपने कामों में व्यस्त रहता है तो अगर थोड़ा दिन अगर रोटावेटर ज़्यादा दिन तक चल जाए तो इसमें जो है मिट्टी वगैरह खूब बहुत ज़्यादा इसमें चली जाती है, और जिससे कि ये जो है वो पूरा जाम हो जाता है। तो मैंने एक साइड का शाफ्ट जो है यहाँ पे इसे ऑयल करके इसे फ्री कर दिया है, लेकिन ये जो है ये शाफ्ट जो है ऊपर वाला, तो ये काफ़ी थोड़ा हार्ड दिखाई दे रहा है एक साइड से। वन साइड ये जो है ये मूव नहीं हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे इधर देख सकते हैं, इधर ये मूव हो रहा है इस तरह से, लेकिन ये इस साइड में जो है वो मूव नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में जो है किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये जो रॉड मुझे मिला है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ग्रीन सिस्टम अगर रोटावेटर आपके पास है तो आपको भी ऐसा ही जो शाफ्ट है वो मिला है विदाउट ग्रीसिंग पॉइंट वाला, या इसमें होता है, या फिर बैड लक मुझे ही ये ऐसा जो विदाउट ग्रीसिंग पॉइंट वाला आ गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर ये कंपलसरी अगर ऐसा ही शाफ्ट अगर विदाउट ग्रीसिंग पॉइंट के अगर देते हैं तो ये बात जो है ये कंपनी को थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए, जिससे कि किसानों को एक फ़ायदा हो कि ग्रीसिंग पॉइंट अगर यहाँ पर हो जाए तो वो बड़ी आसानी से इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो आपको मैं एक, मेरे पास जो है एक थ्रेशर मशीन का ऐसा ही एक रॉड है, तो उसके ऊपर जो ग्रीसिंग पॉइंट है वो किस तरह का होता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। तो किसान भाइयों, ये जो है ये हमारी सोनालिका की थ्रेशर मशीन है, और यहाँ पे ये इसका जो आप पीटीओ रॉड देख पा रहे हैं, ये देखिए ये काफ़ी फ्री है। और इसका जो आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखो, ये ग्रीसिंग पॉइंट अगर आप अच्छे से अगर देख पा रहे हैं तो ये यहाँ पे जो है इसका ग्रीसिंग पॉइंट है, जिससे कि हम इसे बड़ी आसानी से इसमें ग्रीस कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये ग्रीसिंग पॉइंट है। आपको मैं थोड़ा अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये ग्रीसिंग पॉइंट है, और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये पॉइंट है उसका। तो इससे जो है हम बड़ी आसानी से इसमें ग्रीस कर सकते हैं, और इस साइड से भी है अंदर। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो है ये वाला, तो ये हमारा ये ग्रीसिंग पॉइंट है, जिससे कि हम बड़ी आसानी से इसमें ग्रीस कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जो है वो हमारे ग्रीन सिस्टम के जो रोटावेटर का जो शाफ्ट है
उसके अंदर ये बातें होनी चाहिए थी। तो आशा करता हूँ कि जो अगर हमारे जॉन डियर से रिलेटेड कोई या फिर ग्रीन सिस्टम से रिलेटेड कोई अगर इसे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये बात जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल जो ग्रीन सिस्टम का जो रोटावेटर है वो काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है रोटावेटर का। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में यही एक सुझाव देना था मुझे हमारे जॉन डियर या फिर ग्रीन सिस्टम के जो भी रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी कर्मचारी है या फिर जो डीलर है उनको, कि ये कंपनी तक थोड़ी सी ऐसी जो किसानों को जो दिक्कत आने वाली जो बातें हैं वो उन तक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।